नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया में, आपके साथ हूं विशाल पांडे। विश्व में कोरोना महामारी जो है वो लगातार कहर जो है वो बरसा रही है। अगर हम आंकड़े देखें तो वो चौंकाने वाले साबित हो रहे हैं। ऐसे में अपने देश की अगर बात करें तो हमारे देश में भी जो आंकड़े हैं वो लगातार 2.5 लाख के पार कई दिनों से आ रहे हैं। ये चिंता करने वाली बात तो है ही। अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो देश है भारत, ये कहीं सबसे प्रभावित देश अमेरिका को छोड़ के सबसे नंबर वन पर ना आ जाए। अभी अमेरिका सबसे प्रभावित देश है कोरोना महामारी से। तो लगातार अगर केसेस हमारे देश में ऐसे ही 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख इस तरीके के अगर आने लगेंगे तो हमारा देश हो जाएगा नंबर वन पर और अमेरिका हो जाएगा नंबर दो पर। तो ये चिंता करने वाली बात है ही। इसमें आपको जो है गाइडलाइंस फॉलो करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब से कोरोना महामारी आई है तब से जो है लोग ट्रैवल को इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहते हैं ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवल करने से रिस्क बढ़ जाता है कोरोना महामारी होने का। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने देश में यानी भारत के बढ़ते कोरोना महामारी आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कौन कौन से वो देश हैं जिन्होंने भारत आने और जाने दोनों पर बैन लगा दिया है। जी, तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे क्योंकि जो देश हैं वो अपनी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये अहम फैसला लिया है। इसमें कौन कौन से देश हैं ये हम आपको बताएंगे। और आज के इस वीडियो में हमने यही स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया है, तो देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कि कौन कौन से वो देश हैं जिनमें ना आप अब जा पाएंगे और ना वहां से लोग भारत आ पाएंगे। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। रोजाना बढ़ते मामलों को देखते हुए कई देशों ने भारत आने जाने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगा दी है। वहीं अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत नहीं आने की सलाह दी है। अमेरिका ने कहा कि पूरी वैक्सीन ले चुके लोगों को भी संक्रमण का खतरा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भारतीय फ्लाइट्स पर रोक लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश था। न्यूजीलैंड की पीएम जैसिंडा आर्डन ने 8 अप्रैल को भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगाने की घोषणा की थी। इस रोक के तहत 11 से 28 अप्रैल तक न्यूजीलैंड में भारतीयों को एंट्री नहीं दी जाएगी। इसमें न्यूजीलैंड के अपने नागरिक भी शामिल हैं। यह फैसला न्यूजीलैंड में कुछ कोरोना केसों के मिलने के बाद लिया गया था। हांगकांग ने भी भारत समेत कई देशों से आने वाली फ्लाइट्स को बैन कर दिया। हांगकांग ने भारत, पाकिस्तान और फिलीपींस को कोविड के हाई रिस्क में बताते हुए इन देशों के फ्लाइट्स को रोक दिया है। घोषणा के मुताबिक इन तीनों देशों में 2 घंटे से ज्यादा का समय बिताने वालों को हांगकांग में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हांगकांग में पहले से मौजूद 3 देश के लोगों को 26 अप्रैल को टेस्ट भी करवाना होगा। अमेरिका ने अपने नागरिकों को भारत आने को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि वैक्सीन ले चुके लोग भी संक्रमण के खतरे में हैं। कोविड के बढ़ते मामलों के बीच यात्रियों को भारत में ट्रैवल करने से बचना चाहिए। पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुके यात्री भी संक्रमण के खतरे में हैं और उन्हें ट्रैवल से बचना चाहिए। अगर आप भारत में ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले पूरी वैक्सीनेट हो जाएं। ब्रिटेन ने भारत को रेड ट्रैवल लिस्ट में डाल दिया है। ब्रिटिश सरकार के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 दिनों में उसकी ट्रैवल रेड लिस्ट वाले देश में रहा है तो उसे ब्रिटेन में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, बशर्ते वो ब्रिटिश या आयरिश नागरिक ना हो। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अगर आप ब्रिटिश या आयरिश नागरिक हैं या आपके पास यूके में निवास अधिकार है तो आप प्रवेश कर सकते हैं। आपको अनिवार्य तौर पर सरकार की मंजूरी वाले होटल में 10 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। ब्रिटेन की ट्रैवल रेड लिस्ट में भारत के अलावा बांग्लादेश, केन्या, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देश भी शामिल हैं। इससे पहले ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दौरे को रद्द कर दिया था। यह फैसला भारत में कोविड की स्थिति को देखते हुए आपसी सहमति से लिया गया था। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए डीएनपी इंडिया और आप भी ट्रैवल करने से जरूर बचें क्योंकि कोरोना महामारी देश में बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में आप अपना खुद का जरूर ध्यान रखें। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें ताकि आने वाले अपडेट्स आप मिस ना कर पाएं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया। धन्यवाद।